एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है फर्स्ट इनॉग्रल रन अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो फाइनली जो है वो उसका इनॉग्रल हो गया है। वी आर लेट, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा नहीं बल्कि एक हफ्ता हो चुका है इनॉग्रेशन को, बट हम लोग जो है वो आज देखेंगे इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे ओरिजिनल वीडियो। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हैं फिलहाल अहमदाबाद में, यानी कर्णावती में, और आज ट्रैवल करने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। वेस्टर्न रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस में जो कि आज अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जा रही है। अपने रेगुलर रन में ये ट्रेन गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलेगी। इनॉग्रल रन है आज, दिखाते हैं आपको कैसी ये ट्रेन। इस ट्रेन के लुक से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेमी बुलेट हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन एक बात यह है कि लोगों का यहाँ पर उत्साह आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अहमदाबाद से बहुत सारे लोग आए हैं इस ट्रेन को मात्र देखने के लिए। यह है इंडिया में बनी, इंडिया की अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। आज वंदे भारत का तो इनॉग्रेशन हुआ ही है 30 तारीख को, साथ ही साथ आज यहाँ मेट्रो का भी इनॉग्रेशन हुआ है, अहमदाबाद मेट्रो का, और जल्दी आपको बुलेट ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। वैसे बहुत सारी तैयारियाँ आज यहाँ पे देखने को मिली हैं, क्योंकि आज मोदी जी आए थे और यहाँ पे इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कैसी यहाँ की व्यवस्था है। अब बारी है, आपको इंटीरियर दिखाते हैं। सामने हमारी चमचमाती वंदे भारत एक्सप्रेस आपका इंतजार कर रही है। इंटीरियर दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यार। देख लो अपनी वंदे भारत यहाँ पे अहमदाबाद में तैयार खड़ी है। लाइट्स अब सेंसर वाली हो गई, यहाँ पे आपको बटन्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी। सीट्स में पुशबैक आ चुका है, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बात की जाए तो ट्रेन में LCD डिस्प्ले पैनल्स भी हैं, जहाँ पे आप वर्तमान स्टेशन और आने वाले स्टेशन की जानकारी सबको देख सकते हो। ट्रेन की एवरेज स्पीड वगैरह, टॉक बैक वगैरह आपको यहीं से मिल जाता है, जिससे आप लोको पायलट या ट्रेन के स्टाफ से बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज़रूरी समय पर ही आपको यहाँ पे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कोई हालचाल पूछने के लिए नहीं। बाकी यहाँ पे टॉयलेट इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, और डोर्स जो हैं वो भी ट्रेन के यहाँ वाले भी ऑटोमेटिक हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो डोर्स हैं तो हैं ही ऑटोमेटिक। CCTV कैमरास की सुरक्षा और बहुत सारे नए फीचर के साथ ये है अपनी आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पे हमारे स्पेशल वैशाली मैम, फर्स्ट टाइम इंडिया फर्स्ट फीमेल रेल ब्लॉगर, बहुत अच्छा लगा मिल गया मैम। बहुत दिन से वेट कर रहा था कि आपसे कब मिलने का मौका मिले। और ऐसे ही रेलवे में पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, मतलब आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है रेलवे को। क्या आपसे तो अलग ही लेवल का फील आएगा यहाँ पे। इसमें हमारे विशाल भाई भी आज के, भाई कैसी लगी गाड़ी। बहुत बढ़िया लगी। कटरा वंदे भारत से बहुत बढ़िया लगी। इसमें थोड़ा थोड़ी अपग्रेड है, थोड़ा बहुत फर्क है, एंड जो इसकी स्पीड है वो भी थोड़ी ज्यादा है उससे। इसका इंजन अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी वो जो ट्रैक है हमारा कटरा वाला, तो वो इतना है ही नहीं उसमें कि 160 तक चलाया जाए, बाकी 160 चलेगी। ये चलेगी 160, चलेगी 160, मुझे लग रहा है 130 चलेगी यार। 160 चलेगी ये रूट तो 130 का, देखते हैं चलो क्या होता है, चलो देख लेते हैं। बाकी वहाँ पे रेल फैन पब्लिक पूरी यहाँ पे है, और सीतरी कोच में ये है हमारे लेजेंडरी रेल फैंस। लेकिन एक चीज है यार, भूख किसको किसको लगी, मेरे को तो गाड़ी खुलने से पहले ही लगी। टॉक बैक पे ऑर्डर किया जाएगा अभी आएगा, मैं केटरिंग चार्ज लिया है तो आएगा, केटरिंग चार्ज है तो खाना भी मिलेगा। अब जल्दी हमारा डिपार्चर यहाँ पे होने वाला है, 1:45 हो रहा है, 2 बजे ट्रेन यहाँ से खुलेगी। यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम अपनी जो ट्रेन है अहमदाबाद जंक्शन से छूट चुकी है। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप इस ट्रेन जर्नी को कैसे बुक कर सकते हैं, तो मैं अपनी ट्रैवल टिकट बुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ वीगो ऐप को। अपनी ट्रेन टिकट भी मैंने वहीं से बुक की थी। वीगो एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स एंड ट्रेन टिकट सभी चीज़ें आसानी से बुक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सस्ते दाम में। जैसे ही आप वीगो ऐप को खोलेंगे तो आपको ट्रेन का आइकन दिख जाएगा, जहाँ से आप सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन को डाल करके अपनी ट्रेन को बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ ट्रेन्स वहाँ पे मिल जाएंगी। वैरायटी ऑफ ट्रेन से अपनी पसंदीदा ट्रेन को चुनिए, अपने टिकट को बुक करिए। मेरी तरफ से एक सलाह आप लोग के लिए भी है कि जिस रूट में आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं वहाँ पे फ्लाइट के किराए को भी चेक कर लें, क्योंकि कई बार वीगो कम से कम किराए में आपको फ्लाइट के टिकट भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी जाइए वहाँ से वीगो आपको डाउनलोड करिए, अपनी ट्रैवलिंग को और कम्फर्टेबल बनाइए। इतने सारे लोकोमोटिव आपको सामने दिख रहे हैं ना, मेन बात यह कि हमारी ट्रेन में लोकोमोटिव नहीं होता है। वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन्स हैं, यानी इसमें अलग से इंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई भी ट्रेन में खुद ही इंजन लगे हुए हैं।
वो तो यहाँ पे ट्रेन 127 KMPH चल रही है, अपडेट हमें यहाँ मिल चुकी है। और यहाँ पे देख लो डोर्स ऑटोमेटिक है ट्रेन के साथ साथ, यहाँ पे भी आपको जो अपडेट वगैरह है वो स्पीड की लगातार यहाँ मिलती रहेगी। देख लो आज है हमारी 30 तारीख और ट्रेन के खुलते ही चलिए चला जाए बाहर। गजब के ट्रैक साउंड्स यहाँ पे इस जगह पे आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक डोर्स वाली गाड़ी है तो बाहर से जो नज़ारे हैं वो तो आपको नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे हम लोग। और ये रहे अमूल के प्लांट। अमूल के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। माही नदी जो है वो पार हो गई और हमारा वेलकम हुआ इसके साथ वंदे भारत एक्सप्रेस में, और साथ साथ एक कप भी मिला है, चाय वगैरह पीने के काम आएगा। थैंक यू फॉर दिस जेस्चर इंडियन रेलवे। और अभी कुछ ही समय में हम लोग वडोदरा जंक्शन पहुंचने वाले हैं, दिखाता हूं आपको अराइवल। तो यहां पे वडोदरा जंक्शन पे हमारी ट्रेन अपने पहले हॉल्ट उतर चुके हैं हम लोग यहां पे आके। 100 किलोमीटर की दूरी हमारी ट्रेन ने 1 घंटे 10 मिनट में तय की है, और ऐसे ही हम लोग सूरत भी रुकने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सीधा मुंबई ट्रेन अपनी रुकेगी। अभिषेक उतर रहा था इसलिए मैं आ गया हूँ। ट्रेन के अंदर चलते हैं क्योंकि ट्रेन के जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं और ज़्यादा देर के लिए ट्रेन किसी भी स्टेशन में नहीं रुकती है। खास बात यह है कि वडोदरा के बाद लंच सर होना है, वो आपको दिखाते हैं वो कैसा है ट्रेन। बाय बाय विवेक भाई। यहाँ पे वडोदरा से एक विवेक भाई भी हमें मिले थे और ऑटोमेटिक जो डोर्स हैं वो क्लोज हो गए हैं। और यहाँ पे अभिषेक भी है, चलो उतर चुका है वो वडोदरा में ही। खैर ज़्यादा देर ट्रेन यहाँ नहीं रुकी इसलिए मिल नहीं पाया था इधर। तो यहाँ पे अपना जो लंच है वो आ चुका है, अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। और यहाँ पे हम लोग देहरादून बांद्रा को ओवरटेक कर रहे हैं जो कि अभी बांद्रा की ओर जा रही है। मैम खाना कैसा था इसी में? खाएंगे तब ना। अभी नहीं खाए क्या? मैं यही कर रही हूँ। आइए थाली से कुछ टेस्ट करके बताइए कैसा है, टेस्ट करके बताइए कैसे है। अच्छा मैं टेस्ट करूँ? ओ दैट्स कूल। नहीं लेकिन हाँ मैं ये क्रेडिट ले लेती हूँ। रेटिंग मैम से ही लेंगे। मैं गुजराती हूँ ना, तो मैं गुजराती पहले तो सबसे पहले तो मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, सो आई एम जस्ट हैविंग इसमें से कढ़ी निकल जाएगी। गुजराती कढ़ी बहुत स्वीट है एंड इट्स रियली गुड। और दूसरा मेथी का है ना कुछ? हाँ ये मेथी ना मुठी है। क्या एक खत्म हो गया? कैसा है? सही में खाना बहुत अच्छा बना है। मुझे 10 में रेटिंग चाहिए। 10 में अगर मैं रिव्यू सच बताऊं मैं 9 इसलिए दूंगी। 9। आप लोगों को सूप मिला कि नहीं? नहीं यहाँ पे सीसी में सूप नहीं है। यहाँ पे आई है मेथी मुठिया, साथ में है पनीर, यहाँ पे है ठेपला, दही, भिंडी फ्राई, राइस, कड़ी, ये सभी चीज़ें आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलेंगी खाने को। जल्दी से खाने पीने का रिव्यू कर लिया जाए क्योंकि ठेपले मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगे हैं, साथ में है ये कुरकुरी भिंडी, और जल्दी से आप देखें राइस का स्वाद कैसा है। मजा आ गया यार, कड़ी भी बहुत बढ़िया है। पनीर भी काफी सही से है, और मेथी मुठिया खाने का मेरा मन नहीं है कुछ, बाकी पूछेंगे अगर दोस्तों ने खाया होगा तो। ओवरऑल खाने की अगर बात की जाए ना, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, काफ़ी मतलब टेस्टी है इस गाड़ी का, और मुझे तेजस से खैर ये बेटर लगा इसलिए मैं 10 में 9 रेटिंग देना चाहूँगा, काफ़ी बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, अच्छी खासी रफ्तार में अपनी ट्रेन बढ़ रही है। यहाँ पे फ्लेवर श्रीखंड भी आ चुका है एज अ डेजर्ट, और हम लोग नर्मदा माता को पार कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं।
पहुंच के डायमंड सिटी सूरत और अपने कपड़ा उद्योग वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है और डायमंड के जो काम है उनके लिए भी फेमस है। अभी चलते हैं आगे, आपको एग्जीक्यूटिव क्लास दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा अराइवल 4:25 से 4:28 का था। 3 मिनट ट्रेन यहाँ रुकेगी, ऑटोमेटिक डोर है तो अंदर चला जाए, क्योंकि मैं अपने कोच से काफ़ी आगे आ चुका हूँ। और आगे के जो कोच है वो तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे ही खाली हैं। एक फीचर आप देख लो, टेबल वगैरह जो है वो फोल्ड हो जाते हैं खाने पीने के लिए। चलिए चला जाए एग्जीक्यूटिव तक। पर एग्जीक्यूटिव क्लास की एक सबसे बेस्ट बात यह है कि जो सीट्स हैं वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती हैं, साथ साथ पुशबैक आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। देखते हैं वैशाली मैम हमारी कहाँ पे हैं। बाकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। भाई अरे सब बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, आप नहीं बोलेगा। सैंडविच मुंबई में खाना। फाइनली यहाँ पे सूरत से हमारी गाड़ी जो है वो निकली है और एक भाई साहब सैंडविचेस के साथ अंदर रह गए। भाई मुंबई तक चल रहे हो, कैसा लग रहा है? अरे कोई बात नहीं यार, अब चलो इसी बार में फ्री में राइड हो जाएगी वंदे भारत में। चलो चलो भाई, यहाँ पे चपरा गंगा कावेरी के आगे हम लोग निकले। फाइनली मैम को हमने ढूंढ लिया। मैम कैसा एग्जीक्यूटिव का रिव्यू आपके हिसाब से? ओके, एग्जीक्यूटिव में वही है कि लिटिल आपको सर्विस ज्यादा मिलती है और दूसरा थोड़ा कंफर्ट लेवल ज्यादा है। स्पेस काफी अच्छा लगा मुझे, लेग स्पेस। और बेसिकली पहले के भी वंदे भारत से कुछ अलग है कुछ में, मतलब वैसा कोई ज्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है, सिवाय के जो अपना विंडोज है, हाँ, जो ब्लाइंड शेड्स है वो ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब वो पहले होता था ना कि पुश टाइप का होता था, वो उसमें हमें समय साथ खराब हो जाते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअल में मे भी पब्लिक की वजह से ऐसा कर दिया हो। हाँ, हाँ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे करने कराने के चक्कर में वो खराब कर देते हैं। हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर प्लस पैसेंजर यहाँ पे मिले हैं सर। हाँ। तो आपका नाम क्या सर? पंकज त्रिवेदी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसमें? एक्सपीरियंस एज एक्सपेक्टेड ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तेजस से कंपेयर किया जाए तो? तेजस से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कम नजर आई। हाँ। सबसे पहली तो मैनेजमेंट की कमी है, हॉस्पिटैलिटी। मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी हम तेजस से फील करते आए हैं, बिकॉज आई एम रेगुलर ट्रैवलिंग इन बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद एंड इन टू तेजस ओनली। तो इसको कंपेयर किया जाए ना तो ये चीज़ मेरे को मैनेजमेंट की काफ़ी आई। और सबसे बड़ा एक चीज़ मेरे को जानने को मिली कि आई एम ट्रैवलिंग इन एग्जीक्यूटिव क्लास और काफी कुछ चीजें दी नहीं गई। हाँ, अभी सूप वगैरह जैसे इस कोच में नहीं मिला सर को, इवन में E2 में सर्व किया जा रहा है। yes. वो बहुत सारी जो मुझे जानने को मिला कि सूप नहीं मिला, लस्सी वगैरह भी कुछ था। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो चीज है, मतलब मीडिया वाले कोच में सर्विस हो रही है और इस वाले कोच में नहीं हो रही। तो मीडिया वाले और पैसे तो भाई पैसेंजर ने एक्चुअली जब पूरे पैसे दिए तो आपको तो ये सर्विस करनी चाहिए। अगर मैं भी 2500 रुपए दे रहा हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि कुछ मैनेजमेंट मुझे अलग क्लास का मिले। अगर सीसी में ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो इट हैज टू बी लाइक जस्टिफाई। जो 1000 रुपीज का अंतर है वो जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, बाकी ओवरऑल कुशनिंग भी कंपेयर अगर हम शताब्दी या तेजस की सीट से कंपेयर करें तो इतनी एट बार कुशनिंग भी नहीं है। हाँ, उसकी सीट ज़्यादा अच्छी है ना। जस्ट बेनिफिट ये मुझे मिल रहा है देखने को कि शायद आधा घंटा या 45 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, तो वही डिफरेंस है। और थोड़े से पैसे कम लग रहे हैं शताब्दी और तेजस से कंपेयर किया जाए, थोड़े बहुत कम लग रहे हैं। बट अगर इफ यू आर करंट बुकिंग अब कर रहे हो तेजस में तो यू विल गेट ऑलमोस्ट सेम पड़ेगा। और शताब्दी में तो डायनेमिक फेयर लग के किराया ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर चला जाता है। शताब्दी तो इज फार बेटर इन बोथ टर्म्स में। शताब्दी की फूड क्वालिटी मुझे नहीं समझ में आ रही है। हाँ। इसकी ठीक ठाक है। आज सर्व किया गया था फूड, एक फीडबैक भी है। हाँ। आज जो फूड सर्व किया गया था वो गर्म नहीं था। इट हैज और समय के साथ चीजें ठीक होंगी, क्योंकि अभी तो पहला रन है ना। हाँ, तो ये फर्स्ट रन है। तो आउट ऑफ 100 अगर मैं बोलूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन 75% फुलफिल हुई है, बाकी 10 में 7.5 रेटिंग पे आ गया। देख लो यहां पे आते हैं, मतलब फर्स्ट रन में थैंक्स अ लॉट ट्रू रिव्यू के लिए। बहुत अच्छा लगा किसी ने कोई सच बात बोली मुंह पे। नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट वीक में एक रन होता ही होता है। हम लोग फिलीमोरा जंक्शन पे भी किसी इंटरसिटी को ओवरटेक कर रहे हैं। काफ़ी तगड़ी रफ्तार में हमारी ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है। फिलीमोरा से बगल के लिए नैरो गेज ट्रेन भी चलती है, इसके कोचेज आपको वहाँ पे जस्ट दिखे होंगे। अभी बढ़िया टाइमिंग थी। वैसे इवनिंग स्नैक्स का भी टाइम हो चुका है जो कि हमें सर्व होने जा रहे हैं। अभी इवनिंग स्नैक्स पे अपने को कुछ ऐसी वैरायटी मिली, एक फ्रूट जूस मिला है, साथ में समोसा, एक प्री मिक्स चाय और साथ में बाकरवाड़ी के 2 पीस और टोमेटो सॉस वगैरह है। गर्म पानी भी सर्व कर दिया गया, जल्दी चाय बना लेते हैं। चाय तो काफ़ी अच्छी मिली शाम की, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये जो वंदे भारत है हमारी पहली वंदे भारत से, इसकी जो ब्रेकिंग है 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। और साथ ही साथ इसे सेमी बुलेट मैंने इसलिए कहा क्योंकि बुलेट ट्रेन को 55 सेकंड लगते हैं 100 km/h की स्पीड को अटेंड करने के लिए। रेक 1 जो था उसे भी इतना ही समय लगता था, पर ये जो रेक है वंदे भारत का
ये 52 सेकंड्स में ही 100 kmph की स्पीड को अटेंड कर लेता है। बड़ी बात है इंडियन रेलवेज के लिए। बहुत शिकायत रहती थी यात्रियों की कि वंदे भारत में पुशबैक नहीं, इस वाली वंदे भारत में आपको अच्छा खासा पुशबैक जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे हम लोग किसी नदी को पार करते काफ़ी अच्छा लगा, सनसेट दूसरी तरफ हो रही है और अपनी जो चाय है ट्रेन की बढ़िया है, इसे फिनिश करते हैं। आगे जो चीज़ें होती हैं आपको अपडेट देंगे। बाकी इस कोच से जो शिकायतें हैं धीरे धीरे वो ट्रेन के साथ दूर होती जा रही वंदे भारत की। यहाँ पे ट्रेन बोरीवली को बहुत तेज़ रफ्तार में स्किप कर रही है, इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को। मेरे को लगा थोड़ा स्लो डाउन होगा पर वो भी नहीं हुआ है। और यहाँ देख लो 7 बज रहे हैं, 7:30 का अपना मुंबई सेंट्रल अराइवल है और बोरीवली को अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर चुके हैं। फाइनली मुंबई लोकल के भी दर्शन हो गए, लेकिन हाँ थोड़ा रात में है। तो जो लोग मुंबई से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर आपको ये जर्नी कैसी लगी। और इसी के साथ अभी कुछ ही समय में हम लोग मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी पहुँचने वाले हैं। So, दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वंदे भारत का। और ये वंदे भारत काफी अच्छी और एज कम्पेयर टू जो कतरा के लिए जाती थी उसमें और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डिफरेंट है। मतलब स्ट्रक्चर इसका बहुत डिफरेंट है, लुक वाइज तो ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि स्पीड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है और उसके साथ साथ खाने में भी आई थिंक के थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब पहले उसमें फूड का जो है और इसमें फूड का थोड़ा डिफरेंस है, मुझे तो ऐसा लगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में डिफरेंस है कि नहीं तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियोस देखी थी तो उसमें जो डिफरेंस था मतलब फूड वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इस बार जो है वो भिंडी वगैरह इस तरह के मेन्यू जो था मुझे बड़ा ही यम्मी सा लगा। उसका टेस्ट भी मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लाइक आप आइडिया लगा लो कि वो खाना बहुत ही यम्मी सा लग रहा था। और मुझे भिंडी बड़ी टेस्टी सी लग रही थी और वो जो राउंड राउंड से थे वो मेरे ख्याल से कोफ्ते थे क्या था, मुझे तो कोफ्ते लग रहे थे। तो आप मुझे बताना वो कोफ्ते थे क्या था, क्योंकि मुझे कोफ्ते लग रहे थे। बाकी ओवरऑल जो है वो फूड नो डाउट बहुत ही यम्मी सा डिलीशियस लग रहा था। तो मुझे वो स्वीट सी मतलब वो कह रहे ना कड़ी, गुजराती कड़ी भी ये लोग देते हैं क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में ही आता है थी, तो जिसकी वजह से जो है वो वहाँ के लिहाज से जो है वो फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके साथ मेरे ख्याल से फेफला वगैरह कुछ इस तरह का भी दिया गया, लेकिन फूड की नो डाउट क्वालिटी बहुत ही यम्मी से लग रही थी। और आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दिया गया है क्योंकि इनॉग्रेल होता है तो उसमें ये लोग फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर हम खाने से हट के बात करें तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और जो सीट्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज किया गया है। और इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है उसका मतलब डब्बा। मुझे लग रहा था कि जो ट्रेन है वो मतलब बाहर से तो देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सी कंजेस्टेड सा अंदर से होगा, लेकिन भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस है तो बंदा आराम से घूम फिर सकता है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा इस ट्रेन का जो सिस्टम बनाया गया है। तो इसके ऊपर मैं जो अप्रिशिएट करूँगी वो है इंजीनियर्स का जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, अपनी एफर्ट्स लगाई हैं, अपना 100% दिया है इस ट्रेन को और इस ट्रेन को इतना खूबसूरत बनाया है। और स्पेशली आई थिंक इस तरह की ट्रेन आने वाले वक्त में भी इस तरह बनती रहे तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारत की रेल ट्रैक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे और ज़्यादा मज़ीद जो है वो आगे मतलब एक अट्रैक्शन नज़र आएगी और लोग ट्रैवल ज़्यादा करना पसंद करेंगे, क्योंकि आई थिंक रेल का सफ़र ज़्यादा कन्वीनियंस होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर लाइक बसेज एंड एयरप्लेन, क्योंकि आपको सस्ते में पड़ जाता है तो और सुकून दे भी होता है सफ़र। तो आई थिंक इस तरह की और भी अभी ट्रेन आएगी यकीनन, वंदे भारत तो अभी ये फर्स्ट है तो अभी और भी आगे और भी होंगी मज़ीद। तो बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो हाँ यार एक्सट्रीम रोड के जो व्लॉगर हैं उन्होंने जो अपना इतना ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रही हैं और इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स रिकॉर्ड करती हैं एंड आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट
वुमेन हैं जो कि इंडियन जो रेल है उनके ऊपर काम कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और हमें इंकरेज करना चाहिए फीमेल्स को जितना वो अगर इस तरह के सोशल मीडिया में आती हैं, और जो लोग इंकरेज नहीं करते तो मैं उनको बोलूँगी यार सुधर जाओ। तो सी वेल ओवरऑल अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छा ट्रेन की सीट्स और ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है इसका, तो मतलब देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बाहर की कोई कंट्री की जो ट्रेन है उसमें बैठ रहे हो। आई थिंक उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ट्रेन है क्योंकि 100% ये भारत में बनी है और अपनी मतलब अपने सारे चीज़ों उनका यूज़ किया गया है, खुद ही बनाया है और कम प्राइसेस में रेट्स में इनको पूरा किया गया है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स आप लोगों को कि इस तरह की ट्रेन जो है वो और मज़ीद आए और आप लोग भी इस तरह से तरक्की और ज़्यादा करते जाएँ। सो बहुत खुशी हुई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।